देखो ये क्या लाया, अब इश्फाक भाई खुश हो गया, ले जाएगा अब। हाँ, कौन सा वाला? यही वाला लग रहा है, जैसे ही गाड़ियाँ पार्किंग में है। देखो छोटी गाड़ियाँ किस तरीके से लग रही है। तो इसको इजाजत दे दिया, चलो ठीक है, आप भी खुदा के हवाले। निकल गया अनुज भाई भी और हम भी जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और बड़े ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आप सबको वेलकम अपने चैनल पे। अगर चैनल पे नया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जैसे कि आप लोगों को पता है, कल हम निकल गए थे खुर्जा से, हमने क्रैकरी लोड की है श्रीनगर के लिए। तो निकल गए हम वहाँ से, पूरी रात चले हम शामली से आए, क्योंकि आज ज़्यादा जाम भी नहीं देखा है। तो अभी फ़िलहाल हम मुल्तानी ढाबे पर, क्योंकि यहाँ पर पहुँच गए हम 5 बजे, फिर सो गए यहाँ पर ही। अभी नहा धो के परोड़ा खा लिया है, अभी निकलेंगे यहाँ से, जाएंगे सरहंद, वहाँ पे थोड़ा सा काम है, वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे क्या काम है। तो आप लोगों को भी ले जाएंगे अपने साथ। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर करना, क्योंकि आपकी एक शेयर के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करना। गाइस रुक गए हम यहाँ पर, अभी बिल्कुल शामली के नज़दीक। हमने रोटी वोटी जो है पीछे ही खा लिया था, अभी आ गया साहिल भाई और अनुज भाई, उन्होंने बोला हम भी खाएँगे कुछ, इकट्ठे जाएँगे यहाँ से। तो फिलहाल यहाँ पे रुक गए होटल पे। यह है अपनी माजिद भाई की गाड़ी और यह है साहिल भाई की गाड़ी, और ये गाड़ी जो है अपनी है और वो है अनुज भाई की। मैं दिखाऊंगा साहिल भाई ने क्या लाया है, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा साहिल भाई ने क्या लाया है। वो जगह छोड़ो, ये देखो साहिल भाई ने लाया क्या है। हेलो, क्या हाल है? क्या हाल है? और जिन्हें चाचू आपको पार रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, ये देखो इश्फाक भाई। अब इश्फाक भाई खुश हो गया, ले जाएगा आप। हाँ, कौन सा वाला? यही वाला। हाँ, यही वाला। चलो ये देंगे, ये देखो ये क्या लाया। ये देखो जुनेद भाई को क्या हालत हो गए इनको पालते पालते। हेलो, बहुत बढ़िया है, इनको खिलाओ पिलाओ, खुद कुछ मत खाओ, खुद 12-1 बजे खाओ, बस इनको खिलाओ पिलाओ। सुबह सुबह हम उठे है, नहा धो के आए है, तो अभी हम बिल्कुल मुल्तानी ढाबे पे है। आप लोग देख सकते हो कितनी गाड़ियां है यहाँ पे, बहुत सारी गाड़ियां है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है अक्सर ड्राइवर रुकते हैं, हमेशा रुकते हैं यहाँ पे। हमने भी गाड़ियाँ तो अपनी जो है साइड में लगाई, पूरा साफ करके, वो तो भी गए नहाने। इश्फाक भाई कुछ लाने गए। इश्फाक भाई वो उसमें है, वो साइड में है ना, वो साबन। ये है यहाँ पे मुल्तानी ढाबा और ये है अपनी दो गाड़ियाँ, ये आप लोग देख सकते हो, ये दो गाड़ियाँ अपनी। सो गाइस बस अभी हम निकलने वाले हैं यहाँ से मुल्तानी ढाबा से। आप लोग देख सकते हो अपनी गाड़ियाँ जो है बिल्कुल रेडी है निकलने के लिए अपनी वैली की ओर। और मोमिन भाई और उमर भाई अभी परोड़ा खा रहे हैं, हमने खा लिया है पहले ही, तो अभी हम यहाँ पे गाड़ियों पे इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, तो निकलेंगे यहाँ से। तो मोमिन भाई और उमर भाई अभी खा रहे हैं, बस उसको भी 5-10 मिनट लग जाएंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से। ये देख सकते हो आप लोग, ये है मुल्तानी ढाबा, बस अभी हम निकलेंगे, दोनों गाड़ियाँ रेडी है निकलने के लिए अपनी वैली की ओर। हाइट सेम है दोनों गाड़ी में, बिल्कुल सेम हाइट है, देख सकते हो आप लोग। ये है मुल्तानी ढाबा यहाँ पे, और ये जो है ये है अपनी दोनों गाड़ियाँ, बस निकलेंगे यहाँ से अपने कश्मीर की ओर, क्योंकि सारण में 10-15 मिनट लग जाएंगे, फिर वहाँ से भी निकलेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि आज दिन में ही जाएंगे, फिर लाइन में बैठेंगे, कल कानवाई है। तो फिलहाल मिलेंगे अब सरहंद में, देखेंगे क्या काम होगा वहाँ पे, क्या करेंगे, 10-15 मिनट लग जाएंगे, वैसे ही ज़्यादा काम नहीं है। वो जो वो ऊपर वाला वो अरहान और आजिम जो है वो टेपिंग जो है चेंज करनी है, फिल्म हम चेंज करेंगे। आप लोग देख सकते हो इस साइड में भाई ने उठाया है, ये चेंज कर रही है फिल्म, ये देखिए इसको चेंज करेंगे, क्योंकि इस पर वो ऊपर वाली फिल्म आप लोग देख सकते, ये लाइट ही नहीं दे रही थी, अब चेंज करेंगे, दिखाएंगे आपको क्या लिखेंगे। बन गया नाम,
नहीं नाम लगाना है अरहान आरसी। और भाई निकाल रहा है यहाँ पे आ गया टेपिंग करने के लिए। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे खाली ओरिजिनल टेपिंग मिलती है। ये देखिए हर किसी कलर की ओरिजिनल टेपिंग 3mm मिलती है। ये देखिए कितनी टेपिंग है, अंदर गोदाम में भी बहुत पड़ी है। पहले को चल रही है टेपिंग, पहले टेपिंग करेंगे फिर उसके बाद नाम लगेगा। ये देख सकते हो आप लोग, ये देखिए भाई टेपिंग लगा रहा है, 3mm की टेप लगाई है। यहाँ पे है दुकान भाई का, इधर ही हम हमेशा टेपिंग करते हैं क्योंकि ये टेपिंग की गारंटी देती है, इसलिए हम टेपिंग जो है हमेशा यहीं पे करते हैं। बन गया ये वाला शीशा, ये आप लोग देख सकते हो बिल्कुल सेम नाम लगाया है मगर टेपिंग जो है दूसरी की है। अब उस वाले शीशे पे ये नाम लगेगा ARHAN अरहान। ये देखिए इस वाले शीशे पे लग गया आजम। अब उस वाले शीशे पे पहले फिल्म चिपकाएंगे उसके बाद नाम लगेगा। ठीक है यहाँ पे लगा है ये इस शीशे पे मर्सिडीज फ्रेंड्स। अब उस शीशे पे भी लगाएंगे। ये आप लोग देख सकते हैं ये शीशे कैसे हो गए। ये भी पीछे कैमरे पे लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है, तो अभी दिखाएंगे आपको ये शीशे कैसे हो गए। ये शीशे दो देख सकते हो आप लोग, ये देखिए गाइस यही फिल्म लगाई, यही नाम लगाया, यहाँ से लगाया मिस यू अरहान लिखा है और नीचे लिखा है मिस यू, यहाँ से लिखा है आजम और नीचे लिखा है बबलू भाई। ये आप लोग देख सकते हो अरहान आजम मिस यू बबलू भाई लिखा है। ये देखिए हो गई ये टेपिंग कंप्लीट। क्या करना है, निकल गए हम लुधियाना से जहाँ पे वो ड्राइवर से वहाँ से हम निकल गए। वहाँ से आज पहली बार हमने देखा है जाम नहीं था वहाँ पे, तो निकल गए। अभी मोमिन भाई गाड़ी चला रहा है और माजिद भाई की गाड़ी जो है आगे इंतज़ार कर रही है टोल पे, क्योंकि अभी तक खाना भी नहीं खाया हमने। बस आगे अभी खाना खाएंगे, कुछ रोटी खाएंगे अब होटल पे। अब क्या मिलेगा, अभी अभी तक बज चुके हैं 4। फिलहाल मोमिन भाई गाड़ी चला रहा है और भाई भी आया मेरे साथ क्योंकि उसको घर जाना है, उसको थोड़ा सा काम था। लुधियाना से लुधियाना के टोल से थोड़ा सा आगे रुके हैं 1-2 किलोमीटर। अभी आप लोग देख सकते हो अभी बज चुके हैं बिल्कुल 4:45, टाइम आया है और सुबह का खाना हम अभी खा रहे हैं क्योंकि रास्ते में टाइम ही नहीं है, सब्जी भी नहीं मिली है कुछ, तो अभी दिन का खाना हम अभी खा रहे हैं। ये देखो ये अपनी माजिद भाई की गाड़ी, ये अपनी गाड़ी, और 5 बजे हम अभी दिन का खाना खा रहे हैं। ये हमारी लाइफ, रास्ते में टाइम ही ना सब्जी मिली ना फिर खाना बनाने का टाइम आया है। चले ये भी किस्मत में है, तो अब देखेंगे शाम का खाना कब मिलेगा वो किसी को पता नहीं, आपके हाथ में है। फिलहाल अभी जाएंगे रोटी खाएंगे, रोटी और सेवा भाजी बनाए उमर भाई ने, वो खा के आएंगे फिर निकलेंगे आराम। हम खाना खा के अभी लुधियाना से आप लोग अंदाज़ा खुद लगा सकते हो, अभी बिल्कुल शाम का टाइम है, टाइम आ चुका है 5:30 और 5 बजे हमने जो है दिन का खाना खा लिया क्योंकि आप लोग को पता है टाइम नहीं आया, बिल्कुल भी टाइम नहीं आया। तो अभी निकल गए वहाँ से, बस जलंधर के नाजरे पहुँचने वाले हैं। आप लोग देख सकते हो अभी शाम का नज़ारा कितना खूबसूरत नज़ारा है, अंदाज़ा लगा जो आप लोग कितना खूबसूरत नज़ारा है अभी शाम के टाइम। इस साइड में कितना जाम लग गया है, 5 मिनट में देखो आप लोग देख सकते हो, 5 मिनट में देखो कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है। बाइक का एक्सीडेंट हुआ था आगे, शायद और कार का हुआ था, और जाम देखिए 5 मिनट में 5 किलोमीटर तक लाइन पहुँच गई है, क्योंकि अभी हम बिल्कुल जालंधर में चल रहे हैं। हमने जो लवली यूनिवर्सिटी है वो हमने पीछे छोड़ी है, उसी लोकेशन पर एक्सीडेंट हुआ था, और यहाँ पे जो देख सकते हो खुद देखिए जाम कितना हुआ है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा जमा हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे ये गाड़ियाँ पार्किंग में है, देखो छोटी गाड़ियाँ किस तरीके से लग रही है। 5 मिनट में इतना ज़्यादा जाम हुआ है, इधर भी जाम ही है, इधर भी लग गए हैं।
क्योंकि आप उधर से गाड़ियाँ आएंगे ना रॉन्ग साइड से, छोटी गाड़ियाँ मानते ही नहीं, आराम से चलना हो भाई। देखिए बोरा का बोरा जलंधर जो है ब्लॉक हो गया है जाम से, इतना ज़्यादा जाम हो गया। अभी इस रोड पे भी जाम हो गया, उस रोड पे ऑलरेडी जाम था, 5-6 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई थी क्योंकि आगे एक्सीडेंट हुआ था, और अब इस रोड पे भी जो है लाइनें लगी हुई है। जाम देखो कितना होता है, 1 मिनट में यहाँ पे जो है लाइन लग जाती है पूरी की पूरी, कम से कम हज़ारों में गाड़ियाँ जो है जमा हो जाती है 1 मिनट में। उधर से भी 5 मिनट भी नहीं हो गए एक्सीडेंट को होते हुए, और जाम देखिए वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर तक लाइन कंटिन्यू है, 5-5 लाइनें 10-10 लाइनें लगी हुई है। और इस रोड में भी देखो लग गया, बहुत ज़्यादा जाम लग गया है जालंधर, बिल्कुल जालंधर मैं हम अभी देखिए, अभी हमने कम से कम 10 किलोमीटर काटे हैं और यहाँ से जो है जाम कंटिन्यू है। बस वही 10 मिनट में इतना ज़्यादा जाम हो गया, 10 किलोमीटर तक ये लाइनें लगी हुई है। ये देखिए कितनी गाड़ियाँ जमा हुई है इन 10 मिनटों में, बस सिर्फ एक बाइक वाले की गलती की वजह से वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है बाइक वाले का, और यहाँ पे जो है पूरा का पूरा जलंधर जाम हो गया है। गाइस अभी हम रुके हैं कुशवाहा में पीर बाबा पंप पे तेल डालने के लिए, बस यहाँ पे जो है 20,000 का तेल डालना है, फिर आगे जाके घर में फुल करनी है टंकी। तो फिलहाल यहाँ पे तेल डालेंगे, आपको भी दिखाएंगे क्या रेट है यहाँ पे, हमेशा तेल यहीं पे डालते हैं हम। तो देखिए अभी रेट जो है 83.91 रुपीज़ रेट है यहाँ पे, 20,000 का तेल यहाँ पे डालना है और फिर घर में फुल करनी है हैरीपुरा में। तो अभी हो रहा है तेल, ये देखो अभी तक तेल डाला है घर में, डाला है 30 का, ये डाला है 5 का, अभी डाला है 20 का, अभी फिर देखेंगे आगे घर में कितने का होगा। तो फिलहाल 20,000 का डालना है क्योंकि यहाँ पे डालना है, आगे फिर अपने रोड पे चलना है, चढ़ाई है वो आप लोगों को पता ही है कैसा है अपना रोड, गैंड के रोड, फिर उस पर चलना है, उसी वजह से तेल रहना चाहिए गाड़ी में। बस यहाँ पे आप खाना खाएंगे, तेल डाल के खाना खाएंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से। तो डाला तेल हमने, आप लोग देख सकते हो बिल्कुल 20,000 का तेल डाला है, 238 लीटर आ गए हैं 20,000 का। तो तेल डाल के यहाँ पे लॉक किया है, अभी इनको पैसे दे देंगे तो फिर खाना खाएंगे और निकलेंगे यहाँ से। तो पहुँच गए हम सांबा, आप लोग देख सकते हो बिल्कुल सांबा पे हम अभी, और अनुज भाई जा रहा है, इसने बोला मेरा एक भाई आ रहा है हम इसके साथ जाएंगे, तो मैंने उसको बहुत कोशिश की मनाने की हम इकट्ठे सो जाएंगे, इसने बोला नहीं आपकी कान भाई है सुबह, मैं मुझे सुबह जम्मू जाना है, इसको इजाज़त दे दिया, चलो ठीक है भाई, जाओ आप भी खुदा के हवाले। निकल गया अनुज भाई भी और हम भी जा रहे हैं, अभी फिलहाल रुकेंगे नड़ में, ये भाई अनुज भाई का